और जो बम्पर है वो पूरा सही हो गया है और पेंट भी हो गया था। अभी एक बार इसके ऊपर पॉलिशिंग होगी, इसके बाद इसकी जो ओरिजिनल शाइन है वो वापस आएगी। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है, ये लाइन इसमें प्रॉपर नहीं मिली है, क्योंकि यहाँ पर ये इसके साथ बराबरी से निकला हुआ है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्राफ्टर मॉडल की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम एक छोटे से एक्सीडेंट के साथ में फेस ऑफ हो गया है, तो ये वाला पोर्शन सही है, लेकिन यहाँ पर एक गौ माता आके टकरा गई थी। उम्मीद करता हूँ वो सेफ़ होंगी, क्योंकि हम तो टाटा स्टील के अंदर सेफ ही थे। और आप देख सकते हैं कि हेडलाइट चली गई है और बोनट भी काफ़ी दब गया है, ये वाला हिस्सा बिल्कुल साइड इंपैक्ट पड़ा था, तो मेरी तो नज़र नहीं गई थी कि गाय कहाँ से टकराई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉग था और विजिबिलिटी बहुत लो थी, इस कारण से ऐसा हुआ। नहीं तो मैं यूजुअली बहुत ज़्यादा ध्यान रख के ही तो गाड़ी चलाता हूँ, बट अभी कभी कभार चीज़ों पे अपना बस नहीं होता है। तो बस ये था कि सब ठीक रहा है, किसी को कोई ज़्यादा चोट नहीं आई है। अभी हम इसकी शुरुआत करते हैं। हम आए हैं यहाँ पे, जहाँ पर मैं अधिकतर अपनी गाड़ी का काम करवाता हूँ, न्यू लाइफ मोटर्स, और अब इसकी शुरुआत करते हैं। दो लाइटें भी मैंने मंगवा ली हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस फेस ऑफ में लाइट भी ज़िम्मेदार थी, क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा तेज़ है नहीं मेरी गाड़ी की, तो इस कारण से मैंने लाइटें भी मंगवाई हैं। हालांकि वो नई नहीं हैं, है वो पुरानी, बट इनसे काफ़ी ज़्यादा क्लियर विजन उसका मिल सकता है अपने को। तो भाई ये हैं लाइट उसकी, अब देख सकते हैं कि पहले से काफ़ी क्लियर है। हालांकि इसमें कुछ कुछ डेंट पेंट भी मुझे लग रहा है किया हुआ है, बट स्टिल ना होने से अच्छा है कि थोड़ा सा डेंट वाली मिल जाए, क्योंकि अभी कई जगह मैंने पता किया तो नई लाइटों का जो वैल्यू थी वो तो 3,500-4,000 रुपये के आसपास थी, और बात वैल्यू की नहीं है, बात ये थी कि अवेलेबिलिटी रहेगी। 8 से 10 दिनों का डिलीवरी टाइम बता रहे थे वो, जो भोपाल में सबसे बड़े डीलर हैं टाटा के, उन्होंने बताया था। अभी फ़िलहाल हम ये वाली लाइट इसमें लगाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए इसकी डेंटिंग शुरू करते हैं। तो गाइस, आगे का बम्पर खुल गया है, ये रखा है बम्पर। बम्पर यही चल जाएगा ऐसा एक्सपर्ट का कहना है। और अब हेडलाइट खोल रहे हैं धीमे धीमे। तो गाइस, हेडलाइट हम लोगों ने फिट कर दी है, और हेडलाइट के नीचे का ये जो सेक्शन होता है ये ज़रूरी होता है, बम्पर तो लगा दे इसका, जिस पे कि बम्पर टंगता है। और अब जो है डेंटिंग के बाद में पेंटिंग के लिए पुट्टी शुरू हो गई है, और अब बम्पर भी लगेगा। राजश्री मेरा 100 रुपये। तो दोस्तों, कल रात में काफ़ी लेट हो गए थे हम लोग, इस कारण से ये वाला काम जो है हमारा हो नहीं पाया साइड मिरर का। बाकी आप देख सकते हैं कि फेंडर और जो बम्पर है वो पूरा सही हो गया है, और पेंट भी हो गया था। अभी
एक बार इसके ऊपर पॉलिशिंग होगी, उसके बाद इसकी जो ओरिजिनल शाइन है वो वापस आएगी। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है, ये लाइन इसमें प्रॉपर नहीं मिली है, क्योंकि यहाँ पर ये इसके साथ बराबरी से निकला हुआ है और इस तरफ ये अंदर की तरफ दबा हुआ है। हालांकि ये जो पार्ट है ये भी लग नहीं पाया ठीक से, आप देख सकते हैं ये भी लगेगा, चिपकाना पड़ेगा या जो भी होगा तभी हो पाएगा। तो अभी हम वापस जाएंगे आज दिन में समय निकाल के और इस चीज़ को फिक्स करवाएंगे। चलिए दोस्तों, फाइनली हमने वहाँ शॉप पे जाके फिर से इसमें थोड़ा सा काम करवाया है। अब देख सकते हैं कि पहले की तरह ये जो लाइन यहाँ पे मिली हुई थी ये यहाँ पे मिलवा दी है, और जो हेडलाइट की जो पोजीशन थी वो भी ठीक ठाक करवा दी है, और साथ ही साथ जो हमारा एक काम रह गया था जो साइड मिरर था उस तरफ का, वो भी हमने फिक्स करवा दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नया साइड मिरर हमने लिया है और लगभग 2500 रुपये का केवल मिरर ही मिरर है, और उसके बाद ऊपर से हमने इसमें पेंट वगैरह करवाया सेम। तो कुल मिला के एक साइड का मिरर हमें जो कॉस्ट है वो काफ़ी लगभग 3000 के आसपास पड़ी है। तो कुल मिला के गाड़ी अभी हमारी पूरी तरीके से ओके हो गई है, बम्पर में जो छेद आ गया था वो भी हमने पूरी तरीके से मिलवा दिया है। अब आखिरी काम एक जो बचा हुआ वो है इस हेडलाइट की फोकस को सेट करना। तो हमारी अगली वीडियो में हम इसके फोकस को एक बार फिर से सेट करेंगे। हालांकि हम अपने चैनल पे जो रिफ्लेक्टर है उसके फोकस को सेट करना ऑलरेडी बता चुके हैं, बट नई लाइट लगवाने के बाद में या पुरानी यूज्ड लाइट लगवाने के बाद में किस तरीके से फोकस को सेट किया जाता है ये हम फिर से आज इसकी अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए क्राफ्ट और मॉडल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the video.